हेलो अविवन वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में माय डियर फ्रेंड्स ये होगी आपकी ट्वेल्थ ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास एंड भाई बात कर लेते हैं टाइम टेबल की जो आपको परसों शाम को दिया गया था ठीक है मंडे इवनिंग हमने डाला था दैट वी विल हैव इवनिंग स्लॉट एंड द मॉर्निंग स्लॉट दो स्लॉट आपके चलेंगे जिनमें तीन तीन क्लासेज होंगी आई होप आपने तीनों तीनों क्लासेज ली होंगी ऑनलाइन ली है या बाद में ली है लाइव ली है जैसे बट आपने पूरी पूरी क्लासेस जो है देखी होंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए ओके okay? एंड बात करें स्पेशली ईवीएस की क्योंकि ईवीएस के लिए हमने नए सर रखे हैं आपके लिए सो so ईवीएस के जो नए सर हैं उनका फीडबैक मुझे जरूर चाहिएगा तो आप उनकी वीडियो में जो वो देते हैं उस पर फीडबैक जरूर दें कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं एक से दो हफ्ते आ, सर की क्लासेस रहेंगी अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे अदरवाइज वी विल सी कि ईवीएस के लिए हम और आगे क्या कर सकते हैं ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स ये तो आपका मंडे टू फ्राइडे का रहेगा ही और एक और चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर तीन सब्जेक्ट तो रह गए तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो तीन सब्जेक्ट रह गए ना आपके इंग्लिश कंप्यूटर और रिजनिंग uh, इन तीनों को हम रोटेट करके ओके okay? रोटेट करके डालते रहेंगे जो आपका ये चलता है जैसे कि आज शाम की नौ बजे की क्लास आपकी कंप्यूटर की रहने वाली है विद अंकित सर यानी कि मेरे साथ तो ये रोटेशन होती रहेगी और ये रोटेशन कहां पता लगेगी आपको टेलीग्राम से पता लगेगी कि आज रात को कोई रोटेशन होनी है आज टाइम स्लोट में कोई रोटेशन है तो वो आपको वहां से पता लगेगा इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लें चलिए आज के पहला क्वेश्चन लेते हैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया यह स्टार क्वेश्चन है जी आज का ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द लेजेंड्स क्रिकेट लीग एज द एम्बेसडर ऑफ द ऑल वुमेन्स मैच ऑफिशियल टीम और ये है आपकी ज्वलन गोस्वामी देखिए ज्वलन गोस्वामी की अगर हम बात करें तो इंडिया की पहली ऐसी फास्ट बॉलर है जिन्होंने इंटरनेशनल ग्राउंड uh, पे अपना नाम कमाया इंटरनेशनल नाम कमाया एज अ फास्ट बॉलर इन वुमेन कैटेगरी लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने जुलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला आधिकारिकता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है एलएलसी ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की है यह है इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में से पहली है जो एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेगी गोस्वामी ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है ये आज का आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है सुपरस्टार देखिए ये करंट सिनेरियो की वजह से ही बनता है आपको पता होगा कि लड़कियों की एज जो है ट्वेंटी वन कर दी गई है शादी की है ना और उसमें फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन विच स्टेट गंजम डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर इट सेल्फ अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट और ये उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है गंजम जिसने अभी फिलहाल में अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है जिला प्रशासन ने दो वर्ष 2020-21 में साढ़े चार सौ बाल विवाह और आ, वीडियो रिकॉर्डिंग अड़तालीस हजार विवाहों को रोकने में सक्षमता दिखाई है इसके लिए गंजम जिले में निर्भया कड़ी कार्यक्रम यह भी याद रखना है

जो है लड़के या लड़की शादी नहीं करेंगे वो बाल विवाह माना जाएगा बट उस पर रोक मतलब उस पर कोई कार्यक्रम या उस पर कोई कैंपेन नहीं चलता है सो so, इस तरीके की जो पहल है उड़ीसा गवर्नमेंट की वो सराहनीय है अप्रिशिएट करते हैं एंड होपफुली जल्दी ही पूरा इंडिया जो है आपका बाल विवाह मुक्त इंडिया के मतलब देश कहलाएगा हमारा पूरा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्वेश्चन नंबर थ्री हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्था द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है रिसेंटली इन विच कंट्री द डिफेंस मिनिस्टर हैज फ्लैक्ड ऑफ इंडिया मल्टीफेड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपिडिशन ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स और ये फ्रांस में किया है जी हमारे देश के जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उन्होंने हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्था द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था जिसमें 12 लोग आठ सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के चार युवा शामिल थे यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्था है ओके जी तो देश का नाम याद रखना है फ्रांस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर मिस यूनिवर्स 2021 का निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? ये आने वाला एग्जाम्स में सबको पता होगा इसका आंसर बट टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके तीसरी भारतीय जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की मॉडल हरनाज कौर संधु ने हाल ही में यूनिवर्स का किताब जीत लिया है हरनाज कौर संधु से पहले 2000 दो प्रतियोगिता दो के इलियट में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी इसके ठीक 21 साल बाद हरना हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी है लारा और हरनाज के अतिरिक्त सुष्मिता सेन नाइनटीन मे मिस यूनिवर्स किताब उन्होंने अपने नाम किया था तो शी इज द थर्ड वन टू हैव दिस टाइटल फॉर इंडिया ओके द वेरी फर्स्ट इन 1994 नाइनटी फोर सेन उसके बाद 2000 में लारा दत्ता और अब 2021 में हरनाज कौर संधू ये नाम याद रखना है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बता रहा हूँ वैसे सबको पता है आई नो बट स्टिल ये गलती नहीं कर सकते इसमें हम क्योंकि आने वाला है हंड्रेड एग्जाम हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो उत्तराखंड उत्तराखंड ने, ने ठीक है? है, हाल ही में milk price promotion scheme जो है, अपने राज्य में शुरू की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग तिरपन लोगों को लाभ लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए चार दो करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है यह है एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर योजना है इस योजना के तहत तो राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी ठीक है जी तो नाम याद रखना है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में लॉन्च की गई क्वेश्चन नंबर सिक्स संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्न निम में से किसे नियुक्त किया गया स्टार क्वेश्चन ओके जी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड चिल्ड्रन फंड जिसको हम यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं एंड शी इज कैथरीन रसेल कैथरीन रसेल को नया प्रमुख बनाया गया यूनिसेफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंड ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की सलाहकार कैथरीन रेसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की अगली प्रमुख नियुक्त किया है रेसेल व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख है और साल 2013 से साल 2017 तक वह महिलाओं के वैश्विक मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालय की विशेष राजदूत भी रह चुकी है वे फोर का स्थान लेगी जिन्होंने जुलाई में पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था कैथरीन रेसेल प्रमुख यूनिसेफ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन निम्न में से किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस टू मेक इट्स कंट्री अ कंप्लीटली स्मोक फ्री कंट्री बाय द इ ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन भाई इंडिया का कर लो इंडिया ऑप्शन में ही नहीं है वैसे लेकिन कर लो इंडिया में ऐसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आनी चाहिए कि ये कुछ हो जाए ऐसा कुछ एंड ये न्यूजीलैंड ने जो है अपना एम बनाया है कि दो हजार सत्ताईस तक वो अपनी कंट्री को स्मोक फ्री कर देंगे मतलब इंडिया में तो शायद ये सोचा भी नहीं जा सकता है न्यूजीलैंड ने वर्ष दो हजार सत्ताईस तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन पचास लाख लोगों की आबादी में से पांच लाख लोग धूम्रपान करते हैं हर साल पैंतालीस सौ लोगों की मौत हो जाती है न्यूजीलैंड में चौदह वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों की शुरुआत वर्ष 2024 से की जाएगी ठीक है जी तो 2027 तक अपने आप को धूम्रपान फ्री धूम्रपान मुक्त देश बनाने की जो है घोषणा की है न्यूजीलैंड ने क्वेश्चन नंबर एट हाल ही में किस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिसेंटली विच प्रोफेसर हैज बीन है राम अर्जुन प्राइज फॉर नीना गुप्ता okay? को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कोलकाता में भारतीय सांख्यिक संस्था में गणितज्ञ हैं और उन्हें अफाइन बीजीए जो कम्युनिटेटिव बीज गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है वह रामार्जुन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है नीना गुप्ता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन लेते हैं इजी क्वेश्चन है एग्जाम्स में आता रहता है मानव अधिकार दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑफ द फॉलोइंग डे ये मनाते हैं जी हम हर साल दस दिसंबर को यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं ह्यूमन राइट्स डे में और ह्यूमन कंज्यूमर डे में ठीक है दोनों अलग अलग हैं दोनों अलग अलग अच्छा दोनों दिसंबर में मनाए जाते हैं इसलिए भी कंफ्यूज जाते हैं चौबीस और दस तो मानव अधिकार दिवस दस दिसंबर और कस्टमर कंज्यूमर डे इज ऑन ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ आज का आखिरी क्वेश्चन एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फ़ॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड बाय इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2021 और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है जी एशिया में ठीक है एशिया में हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है एशिया पावर इंडेक्स में लोव इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 ने एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है जिसमें उसने भारत को चौथे स्थान पर रखा है रिपोर्ट में भारत को एशिया को मध्य एशिया शक्ति के रूप में दर्शाया गया है लोव इंस्टीट्यूट ये रैंकिंग संसाधनों और प्रभाव के आधार पर करता है लोव इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के आधार पर इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका है वह दूसरे नंबर पर चीन इसके बाद जापान भारत रूस ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया सिंगापुर इंडोनेशिया और थाईलैंड आते हैं तो इंडिया का जो है इसमें चौथा स्थान है सो दीज आर द टॉप टेन क्वेश्चन फॉर टूडे आई होप यू लाइक इट एंड भाई कोशिश रहती है मेरी देखिए साइको की क्लास में ना प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ जो मैंने देखा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ विद एग्जाम्पल्स तो आ, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि एक एग्जाम्पल सफिशियंट नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा इसी वजह से ना वो चालीस से पचास मिनट की वीडियो हो रही है और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि वो भी आपके दस क्वेश्चन तीस मिनट में निपट जाए देखो मैं इधर उधर की बात तो उसमें करता नहीं हूँ लास्ट में आगे एक दो बात करता हूँ इधर उधर की क्वेश्चन के बीच में नहीं करता दस क्वेश्चन जब होते हैं तो मैं इसको फोर्टी फिफ्टी मिनट्स को थर्टी मिनट्स लाना चाहता हूं सो तो इसमें होगा क्या ना एग्जांपल्स फिर आपके एक या दो ही रह जाएंगे जो मैं तीन तीन चार चार एग्जांपल दे देता हूं वहां से हटके हम एक दो पे आ जाएंगे ठीक है एंड कोशिश करते हैं दैट्स इट आज की रात की जो क्लास रहने वाली है हमारी नौ बजे की वो होगी आपकी कंप्यूटर की तो जो लोग भाई कंप्यूटर में आ, सीखना चाहते हैं कहते रहते हैं सर कंप्यूटर क्लास नहीं लाते कंप्यूटर की लाते तो आपके लिए आज रात को हम कंप्यूटर की क्लास ला रहे हैं सो योर मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं हमारी आज की कंप्यूटर की क्लास में अब मिलते हैं हम रात को नौ बजे चलिए बाय एवरीवन अब ग्यारह बजे की हिंदी की क्लास देख लेना हिंदी में बहुत कम व्यूज रहते हैं और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बीस में से बीस दिला सकता है मैं फिर से कह रहा हूँ कई बार ना हम ऐसी चीजें मिस कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए ठीक है हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हल्के में मत लो ये आपको बीस में से बीस दिलाएगी इसको अट्ठारह सोच के मत चलो तो तैयारी हिंदी की भी जम के करनी है हमें ठीक है जी चलिए बाय एवरीवेंट टेक केयर